नूरी रमजान की प्रस्तुत करता है सना अहमद बोरो 6 चेयरपर्सन एंड काउंसिलर वार्ड नंबर 62 सूफी पैलेस रेस्टोरेंट एंड कैटरर 113 एमजी रोड कोलकाता 7। अजमल सिद्दीकी रिनाउंड बिजनेसमैन एंड स्टेट सेक्रेटरी वेस्ट बंगाल तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल। इखलाक अहमद एक्स काउंसिलर वार्ड नंबर 43। बरकत अली ट्रेडिंग कंपनी फ्रूट मर्चेंट एक्सपोर्टर इंपोर्टर एंड ऑर्डर सप्लायर। अजहर इकबाल प्रेसिडेंट वार्ड नंबर 61 तृणमूल यूथ कांग्रेस। शम्स इकबाल काउंसिलर वार्ड नंबर 134 कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। नफीस अहमद एंटरप्रेन्योर एंड सीईओ गोल्डन गेट ग्रुप। मोहम्मद रियाजुद्दीन अरमान मंडल काउंसिलर टीटागढ़ म्यूनिसिपलिटी वार्ड नंबर 4। अथर शफी सोशल एक्टिविस्ट। बिलाल हसन सोशल एक्टिविस्ट एंड प्रेसिडेंट बजमे शहरे निशात। जुल्कर नैन अली फाउंडर एंड प्रेसिडेंट जज्बा वेलफेयर फाउंडेशन। मोहम्मद जमालुद्दीन एनआरआई टेक्सटाइल बिजनेसमैन। नदीम अहमद खान फिलान्थ्रोपिस्ट सोशल एक्टिविस्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। नाज़रीन आप सबका हालात बंगाल के ख़ास प्रोग्राम नूर रमज़ान में खैर मकदम है। मैं आपका होस्ट अशफाक और आज हमारे सामने कलकत्ता और पश्चिम बंगाल की जानी मानी हस्ती मशहूर मारूफ आलिम आलिमुद्दीन हज़रत ग़ुलाम आसी मिसबाही साहब एक बार फिर से अपने कीमती वक्त को निकाल के हमारे दफ्तर में तशरीफ़ फरमाए। हज़रत आपने अपने कीमती वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। आज बहुत ही अहम रात है, पाक रात है। आज शबे कदर की 27वीं रमजानुल मुबारक की 27वीं शब है और नूर रमज़ान का हमारा ख़ास प्रोग्राम के लिए हम लोगों ने हमारी ख्वाहिश थी कि हज़रत को हज़रत के साथ बयान इस दिन के ताल्लुक से किया जाए। सबसे पहले हज़रत हम चाहेंगे कि इस प्रोग्राम की शुरुआत आयत करीमा से कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر إلى آخر السورة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم والحمد لله رب العالمين। अशफाक भाई, आज के इस मखसूस प्रोग्राम में आप हजरात ने मुझे बुलाकर बेपनाह इनायतों का हसीन और ज़रीन मौका अता फरमाया। अल्लाह ताला आप सब के महब्बतों को, आप सब की मेहनतों को कबूल फरमा, मसलके अहले सुन्नत का खूब बोलबाला फरमाए और हमारे वतन अजीज और हिंदुस्तान के तमाम लोगों को एक साथ रहने का मिलजुल करके वतन को आगे बढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। आज की शब चूँकि शब कदर है और 27वीं की शब है और 27वीं की शब जो शब कदर होती है वो बहुत ही अहमियत और फजीलत की हामिल है, जिसके ताल्लुक से अभी आपके सामने बयान किया जाएगा जी। रहमत व नूर में डूबी है फ़ज़ा आज की रात, रहमत व नूर में डूबी है फ़ज़ा आज की रात, हर तरफ छाई है नूरानी घटा आज की रात। माशाल्लाह, सुभान, हर तरफ छाई है नूरानी घटा आज की रात और रोज़ादारों को, रोज़ादारों की ख़ताएँ वो मिटा देता है, रोज़ादारों की ख़ताएँ वो मिटा देता है, बख्श देता है हर एक जुर्म व ख़ता आज की रात। क्या बात है, बख्श देता है हर एक जुर्म व ख़ता आज की रात। शबे कदर 27वीं की शब वो रात है जिसकी अहमियत व फजीलत को बयान करते हुए क़ुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी एक सूरत नाज़िल फरमा दिया। चुनांचे इरशाद परवरदिगार आलम होता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने क़ुरान पाक को शबे क़द्र में नाजिल फरमाया। गोया के शबे क़द्र में लौहे महफूज से लेकर आसमान दुनिया, जो आसमान दुनिया का बैतुल इज़्ज़त है,
वहाँ पे कुरान पाक को यकबारगी अल्लाह ने आज की रात में नाजिल फरमाया है, इसलिए आज की रात को जश्न कुरान भी कहा जाता है, जश्न यौम कुरान भी कहा जाता है, जश्न नुजूल कुरान भी कहा जाता है और जश्न चरागा के नाम से भी जाना जाता क्या है। बात, चूँकि ये रात अपने दामन में बहुत बरकतें रहमतें लेकर आती है, पहले मैं उस आयत करीमा और सूरह मुबारक का तर्जमा आपके सामने पेश करूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुरान पाक में इरशाद फरमाया, इन्ना अनजलना हो फी लैलतुल क़द्र, बेशक हमने कुरान पाक को शब क़द्र में नाजिल फरमाया। हमा अदरा का माँ लैलतुल क़द्र, और आपको मालूम है शब क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, शब क़द्र हज़ार महीनों से अफजल है, बेहतर है। सुभान अल्लाह, सुभान। ये पूरी सूरह का सूरह पाक की ये उसका तर्जमा और मफहूम हुआ आपके सामने हजरात। और जो हदीस पाक मैंने पढ़ी, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन काम रमजाना ईमानं व एहतिसाबा गफिर लहू मा तकद्दमा मिन दंबी औ कमा काला अलैहिस्सलाम, जो रमज़ान की रातों में अल्लाह की रजा के लिए ईमान व यकीन के साथ शब्बेदारी करता है, क़याम करता है, नवाफिल पढ़ता है, अल्लाह की रजा मंदी के लिए इबादतें करता है, मदनी ताजदार अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला उसके पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देता है, उसके तमाम गुनाहों की बख्शिश हो जाती है। हजरात, ये शबे क़दर है जिसके बारे में दुर्रे मंसूर, तफसीर दुर्रे मंसूर में बयान किया गया है कि यही वो रात है जिस रात में फरिश्तों को पैदा किया गया, यही वो रात है जिस रात में जन्नत का तरख लगाया गया, यही वो रात है जिस रात में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का सामान इकट्ठा करना शुरू किया गया, यही वो रात है। शबे क़दर को शबे क़दर इसलिए कहते हैं कि आने वाले साल के तमाम क़ज़ा व क़दर और तमाम मामलात फरिश्तों के रजिस्टर में लिख दिया जाता है, आने वाले साल में किस आदमी के साथ क्या होने वाला है, कितनी रोज़ी मिलने वाली है, कौन हज करेगा, कौन नमाजी बनेगा, कौन दीन के रास्ते में कितनी खिदमत अंजाम देगा, गोया के कौन बच्चा पैदा होगा, किसका इंतकाल होगा, ये तमाम के तमाम आज की रात में लिखा जाता है। आज की रात में वो फरिश्तों के सुहुफ में, फरिश्तों के रजिस्टर में वो सब के सब अता कर दिए जाते हैं। और आज की रात वो है जिस रात में रिवायतों में आता है कि बनी इसराइल की तौबा भी आज ही की रात में अल्लाह ताला ने कबूल फरमाया था, फिरौन को समंदर में गर्क फरमाकर हज़रत मूसा और उनके हम नवाओं को निजात अता फरमाया था। आज की रात बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक में आया है कि आज की रात में जो ईमान व यकीन के साथ शब बेदारी कर लेता है तो उसको एक साल की इबादत का सवाब अता फरमाया जाता है। दूसरी रिवायतों में आता है कि जो आज की रात में इबादत करता है उसकी ज़िंदगी भर के तमाम गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ फरमा देता है। और कुरान पाक की जो आयत करीमा है उसके हवाले से ये साबित है कि एक रात की इबादत 1000 महीने की इबादत से अफजल है, और 1000 जो 83 साल 4 महीने बनते हैं। एक साल की क्या मुद्दत पड़ती है? खैरुम मिन अल्फे शहर, 1000 महीने की जो मुद्दत बनती है वो 83 साल 4 महीने की बनती है। लिहाजा अगर कोई बंदे मोमिन सिद्क व यकीन के साथ आज की रात में इबादत कर लेता है तो गोया के 83 साल 4 महीने की इबादत का सवाब अल्लाह ताला उसको अता फरमाता है। मैं अभी इंशाल्लाह इसके बाद आपको वाकयात की रोशनी में शबे कदर की कुछ फजीलतें बयान करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सामने मौलाना गुलाम आसिफ मिसबाही साहब जो कि इमाम ख़तीब है जामा मस्जिद मलिक बाज़ार के, वो बने हुए हैं। उन्होंने बहुत ही कम वक्त में बहुत ही सलीस और जामा अंदाज़ में ललितुल कदर और ख़ास तौर पर आज 27वें रमज़ान के शब के बारे में बात किया। हजरत साहब और भी बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। नूरी रमजान की प्रस्तुत करता है सना अहमद, बोरो 6 चेयरपर्सन एंड काउंसिलर, वार्ड नंबर 62,
सूफी पैलेस रेस्टोरेंट एंड कैटरर, 113 MG रोड, कोलकाता 7। अजमल सिद्दीकी, रिनाउंड बिजनेसमैन एंड स्टेट सेक्रेटरी, वेस्ट बंगाल तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल। इखलाक अहमद, एक्स काउंसिलर, वार्ड नंबर 43। बरकत अली, ट्रेडिंग कंपनी, फ्रूट मर्चेंट, एक्सपोर्टर इंपोर्टर एंड ऑर्डर सप्लायर। अजहर इकबाल, प्रेसिडेंट, वार्ड नंबर 61, तृणमूल यूथ कांग्रेस। शम्स इकबाल, काउंसिलर, वार्ड नंबर 134, कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। नफीस अहमद, एंटरप्रेन्योर एंड CEO, गोल्डन गेट ग्रुप। मोहम्मद रियाजुद्दीन अरमान मंडल, काउंसिलर, टीटागढ़ म्यूनिसिपलिटी, वार्ड नंबर 4। अथर शफी, सोशल एक्टिविस्ट। बिलाल हसन, सोशल एक्टिविस्ट एंड प्रेसिडेंट, बजमे शहरे निशात। जुलकर नैन अली, फाउंडर एंड प्रेसिडेंट, जज्बा वेलफेयर फाउंडेशन। मोहम्मद जमालुद्दीन, NRI टेक्सटाइल बिजनेसमैन। नदीम अहमद खान, फिलान्थ्रोपिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट। ब्रेक के बाद नाज़रीन, आप सबका खैर मकदम। मैं आपका होस्ट अशफाक, आप देख रहे हैं नूरे रमज़ान। मेरे सामने हजरत मौलाना अल्लामा ग़ुलाम आसिफ मिसबाही साहब, जो कि जामा मस्जिद मलिक बाज़ार के खतीब व इमाम हैं। हजरत, हम आपसे ये जान रहे थे, आपसे ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि लैलतुल कद्र और 27 रमज़ान की शब, इसके अफादियत और फवायद पर। इंशाल्लाह अशफाक भाई, देखिए ये इतनी अहम और अफादियत से लबरेज रात है के हदीस पाक में आता है कि आज की और हमें करना क्या, आज की करना, वो भी बता दिया इंशाल्लाह, उसका भी बयान होगा। इबादत कैसी करनी है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज की रात में जिब्रील अमीन सिदरतुल मुंतहा पे जितने फरिश्ते हैं जी, बेशुमार कितने फरिश्ते हैं। हदीस में आता है कि जमीन पे जितने संगरेजे हैं, कंकरियाँ हैं, उतनी तादाद में फरिश्ते सिदरतुल मुंतहा से ज़मीन की जानिब नाजिर होते हैं। उनके हाथों में 4 झंडे होते हैं, एक झंडा खाने काबा की छत पे लगाते हैं, एक गुम्बद खजरा की छत पे लगाते हैं, दूसरा तूर सीना पे लगाते हैं, चौथा बैतुल मुकद्दस की छत पे लगाते हैं। फिर जिब्रील अमीन फरिश्तों को हुक्म देते हैं कि पूरी रुबे ज़मीन पर फैल जाइए और जहाँ जहाँ जिस जिस घर में अल्लाह की बंदगी करने वाले, इबादत करने वाले मोमिन और मोमिना हैं, यानी मर्द और औरत जहाँ जहाँ इबादत कर रहे हैं, जाके उनको सलाम कीजिए, उनसे मुसाफा कीजिए और उनकी सलामती की दुआ कीजिए और उनको मगफरत की बशारत भी सुना दीजिए। आज की रात में वो फरिश्ते पूरी रुबे ज़मीन पे फैल जाते हैं और हर उस घर में जाते हैं जिस घर में कुरान पढ़ा जा रहा हो, इबादत की जा रही हो, नमाज़ें पढ़ी जा रही हो। हाँ, उन घरों में फरिश्ते नहीं आते जहाँ तस्वीर रखी हुई हो या कुत्ता जहाँ पर पाला जाता हो या कोई नापाक जुनबी आदमी रहता हो, यहाँ जहाँ पर माँ बाप को दिल दुखाने वाले औलाद जहाँ पर रहती हो, आपसी रिश्तेदारी को ख़त्म करने वाले लोग रहते हों, हमेशा शराब पीने वाले, हमेशा जना पे मुदामत करने वाले, इस किस्म के लोगों के बारे में आया है कि ऐसे लोगों के घरों में रहमत के फरिश्ते नहीं जाया करते और ना ही उनके घरों में अल्लाह की रहमतों के फरिश्ते नाजुल होकर उनको सलामती की दुआ दिया करते हैं। एक रिवायत में यह भी आता है, इंशाल्लाह उसके बाद मैं बताता हूँ कि हज़रात में करना क्या है। रिवायत में यह भी आता है कि जब रूबे ज़मीन पर फरिश्ते फैल जाते हैं सुबह तक, ये मोमिनों से मोमिनात से मुसाफा करते रहते हैं, उनकी सलामती की दुआ मांगते रहते हैं। जिब्रील अमीन फजर जब तुलू हो जाती है तो तमाम फरिश्तों को समेटते हैं और समेट करके आसमान दुनिया की जानिब परवाज करते हैं। जब पहले आसमान पर पहुँचते हैं तो पहले आसमान पर जो फरिश्ते हैं वो फरिश्ते पूछते हैं, कहाँ से आप लोग तशरीफ़ ला रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? क्या आपको मालूम नहीं आज शबे कदर है और आज की रात में उम्मते मुहम्मदिया को अल्लाह ताला बख्श दिया है और जो लोग नेक हैं उनको बख्श दिया और जो गुनहगार हैं नेक लोगों को उनकी सफारिश का वादा फरमाया गया है, उनकी सफारिश का अल्लाह ने बख्श देने का, उनकी शफात का वादा फरमाया है। लिहाजा ये जितने पहले आसमान पर फरिश्ते हैं खूब ज़ोर से अल्लाह की तस्बीह व तहलील बयान करने लगते हैं और इनके साथ दूसरे आसमान तक जाते हैं तस्बीह बयान करते हुए। दूसरे आसमान पर भी यही मामला होता है, वहाँ पर भी फरिश्ते पूछते हैं कहाँ से आ रहे हो, जिब्रील फरमाते हैं आज की रात अल्लाह ने उम्मते मुहम्मदिया की मगफरत का परवाना अता फरमाया है। इस तरीके से सातों आसमान तक फरिश्ते जाते हैं, सातों आसमान से फिर सिदरतुल मुंतहा तक जाते हैं, हर जगह मुबारकबादी पेश होती है, फरिश्ते एक दूसरे के खूब तस्बीह व तहलील कर, एक दूसरे के साथ तस्बीह व तहलील करते हुए आवाज़ जन्नत तक पहुँचती है, फिर जन्नत के हर तबके तक पहुँचती है और तमाम फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में हम्द सना बयान करते, मौला तेरा फजल है कि तूने अपने
महबूब की उम्मत के साथ बख्शिश का मामला फरमा दिया। सोचें आप, गौर फरमाएं, आज की रात में हमें कसरत के साथ नवाफिल पढ़ना चाहिए, तहज्जुद पढ़ना चाहिए, कुरान की तिलावत करना चाहिए, और आज की जो शबे कदर वाली जो इबादत है वो शबे कदर वाली इबादत करनी चाहिए। आज की रात में आंखों में सुरमा लगाइए, 19 मरतबा शबे सूरह कदर पढ़ करके आंखों में सुरमा लगाने से आंखों की बिनाई तेज़ हो जाती है। उसके अलावा आज की रात में जो ख़ास तौर से हमें और आपको करना है वो ये है कि अगर हमने जानबूझकर नमाज़ें कज़ा कर दी हैं, नमाज़ें छोड़ दी हैं, तो हमें कज़ाए उम्री अदा करना ज़रूरी है। कज़ाए उम्री हर मुसलमान मर्द औरत को ज़रूर भी ज़रूर अदा करना चाहिए। हमारे माशरे में होता ये है, जब इस किस्म के ओकेज़न्स आते हैं, मौाक़े आते हैं, शब बरत हो जाए, शब कदर आ जाए, या और कोई भी मौका आ जाए, तो हम लोग नवाफिल पर ध्यान देने लगते हैं। हालाँकि नवाफिल नवाफिल हैं, फ़राइज़ फ़राइज़ हैं। हदीसों में आता है कि जब तक फ़र्ज़ नमाज अदा ना किया जाए कोई नफल नमाज कबूल नहीं होती। इसलिए होना यह चाहिए कि ऐसे मौके पर जितना हो सके हमें कज़ा नमाज़ें पढ़नी चाहिए, क्योंकि एक दिन की कज़ा नमाज 20 रिकत होती है, 2 रिकत फजर की सुबह, 4 रिकत जहर की, 4 रिकत असर की 10 हो गए, 3 रिकत मगरिब की 13 हो गए, और 4 रिकत इशा की 17 हो गए, और 3 रिकत वितर की वाजिब ये कज़ा है, कुल मिला करके 20 रिकत होती है। अगर हम कम से कम एक हफ्ते की कज़ा नमाज आज की रात में पढ़ लेंगे तो एक हफ्ते के इस जिम्मेदारी से तो हम बरी जिम्मा हो जाएंगे और इतनी इबादतें हमारी अदा हो जाएगी। लिहाजा आज की रात में चूँकि कुरान नाज़िल हुआ है, पढ़ने का क्या, हाँ, कज़ाए उम्री पढ़ने का तरीका ये है कि हर दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि जो नमाज आप पढ़ने जा रहे हैं, वैसे फजर की नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, तो फजर के टाइम में फजर की कज़ा पढ़ लीजिए, जहर के टाइम में जहर की कज़ा पढ़ लीजिए, असर के टाइम में असर की कज़ा पढ़ लीजिए। इस तरीके से अदा भी होती जाएगी कज़ा नमाज़ें और आपको पता भी नहीं चलेगा। और दूसरी सूरत यह है कि एक वक्त में 5 टाइम की पूरी पढ़ लीजिए, दूसरे टाइम में 5 टाइम की पूरी पढ़ लीजिए, तीसरे टाइम में 5 टाइम की पूरी पढ़ लीजिए। जो नमाज जितनी रकात है उतनी रकात ही पढ़नी है जी, फ़र्ज़ नमाज पढ़ना है, सिर्फ फ़र्ज़ नमाज पढ़नी है, और कज़ा की कज़ा बोल के नियत यूँ करना है कि मैं जैसे फजर की दो रिकत आप पढ़ रहे हैं कज़ा, तो नियत यूँ करेंगे मैं नियत करता हूँ नमाज फजर फ़र्ज़ नमाज जो हमारी सबसे पहले कज़ा होगी। अच्छा। हर एक में यही नियत करेंगे। अच्छा। जो हमारी सबसे पहले कज़ा हुई है, फिर दूसरी बार जब खड़ा होंगे फिर यही कहेंगे जो हमारी सबसे पहले कज़ा हुई है। इस तरीके से आप कज़ा की नियत करते चले जाएंगे। एक दिन की भी अगर आपने नमाज पढ़ लिया तो आप सोचें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस महीने में अगर कोई नफल पढ़ता है तो फ़र्ज़ के बराबर सवाब मिलता है, और अगर कोई फ़र्ज़ पढ़ता है तो 70 फ़राइज़ के बराबर उसको सवाब मिलता है। लिहाजा आज की रात ख़ास तौर से खूब जम करके बढ़ चढ़ करके कुरान की तिलावत करना चाहिए, क्योंकि ये नुज़ूल कुरान की रात है और शब कदर की शब अहमियत इसलिए बढ़ाई गई है, चूँकि अजमत इसलिए है, फजीलत इसलिए है कि इस रात में कुरान लौहे महफूज से आसमान दुनिया पे अल्लाह ने नाजिल फरमाया था। फिर ज़रूरत के मुताबिक 23 बरसों में जिब्रील हुजूर की बारगाह में लेकर के आते रहे। इसलिए शब कदर को कदर की रात कहा जाता है, यानी अजमत वाली रात, बरकत वाली रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में शर्फ व मज़द पाने वाली रात आज की रात है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की को मनाना चाहिए रो रो करके। अभी तक हमारे बहुत से भाई लोग गफलत में पड़े हुए हैं, बहुत से लोग डॉक्टरों की पुर्जी रख करके अभी रोज़ा नहीं रखते, इबादत नहीं करते, और ख़ास तौर से आज की रात को तो लोग फरामोशी कर देते हैं। कुछ लोग जागते भी हैं तो या तो मोबाइल में, या तो गेम में, या तो क्रिकेट वगैरह के मैचों में अपना टाइम बर्बाद कर जी खेलते रहते हैं, बर्बाद कर देते हैं। मैं चाहता हूँ सदा दौर दौरा दिखाता नहीं, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। और एक बात और बता दें कि जब कहा इस यहाँ से मैंने सख्त लाचारों में हूँ जिसके पल्ले कुछ नहीं, मैं उन खरीदारों में हूँ तेरी रहमत के लिए शामिल गुनहगारों में ही, तेरी रहमत के लिए शामिल गुनहगारों में हूँ, तो बोली उनकी रहमत बोल उठी आजा मैं मददगारों में हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
की रहमत दामन फैलाकर हम गुनहगारों को अपने आगोश में लेने के लिए बेकरार है। आओ भाई बहन आगे बढ़ो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करने के लिए बचके हुए दिनों में और ख़ास तौर से आज की शबे कदर में खूब इबादत और रियासत करके अल्लाह को राज़ी कीजिए। तस्बीह जो नमाज है जी इस पे थोड़ा सा रोशन। अच्छा सलातु तस्बीह जी सलातु तस्बीह हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो नमाज है कि अगर ज़िंदगी में हो सके तो एक बार पढ़ लीजिएगा और अगर ज़िंदगी में नहीं हो पाए तो कम से कम साल में एक बार पढ़िए और अगर साल में नहीं हो पाए तो कम से कम हफ्ते में एक बार ज़रूर पढ़ लिया कीजिए। लिहाजा ये बड़ी अहमियत की हामिल नमाज है। सलातु तस्बीह का तरीका ये है कि चार रिकत नमाज की नियत करेंगे सलातु तस्बीह नबे तो वसली अलिल्लाह ताला अरबा रकात सलाती सलातु तस्बीह मुतवज्जहन इला जिहत रिकाबत शरीफत अल्लाह अकबर कह करके 15 मरतबा सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर ये सना से पहले 15 बार पढ़ना है। उसके बाद सना पढ़ना है, तऊज़ पढ़ना है यानी औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ना है, फिर उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ना है, कोई सूरह मिलाना है, सूरह मिला करके फिर 10 मरतबा खड़े खड़े ये तस्बीह पढ़ना है सुभानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। उसके बाद रुकू में जाना है, वहाँ पे 10 मरतबा तस्बीह पढ़ना है, रुकू वाली तस्बीह पढ़ने के बाद 10 मरतबा ये तस्बीह ये पढ़ना है। उसके बाद फिर खड़ा होना है कौमा में, फिर 10 मरतबा ये तस्बीह पढ़ना है, फिर सजदे उला में जाना है, सजदे की जो तस्बीह है उस तस्बीह सजदा को पढ़ने के बाद 10 मरतबा वहाँ पर यह तस्बीह पढ़नी है और उसके बाद फिर जब बैठेंगे दोनों सजदों के दरमियान जो कौमा होता है उस कौम जलसा होता है उस जलसे में भी 10 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ेंगे, फिर दूसरे सजदे में जाएंगे, फिर सजदे वाली तस्बीह पढ़ने के बाद 10 मरतबा इसको पढ़ेंगे। इस तरीके से एक रिकत में अशफाक भाई 75 मरतबा तस्बीह होती है और दो रिकत में 150, चार रिकत में 300 तस्बीह होती हैं। लिहाजा ये याद रखने की ज़रूरत है कि जब जब हम खड़े होंगे तो पहले 15 मरतबा पढ़ेंगे, उसके बाद सूरह फातिहा और सूरह मिलाएंगे, यानी पहले तस्बीह पढ़ेंगे क़याम में ही हमारा 25 हो जाए, क्या क़याम में 25 हो जाए जी, उसके बाद सूरह फातिहा सूरह मिलाने के बाद फिर 10 पढ़ेंगे तो 25 हो जाएगा जी जी। इस तरीके से ये बहुत अहमियत की हामिल है। आज की रात में शब कदर की भी नमाज़ पढ़िए और अल्लाह तौफीक दे तहज्जुद पढ़िए और सलातु तस्बीह पढ़िए और खूब जम करके दुआ खूब जम करके दुआएं मांगिए और हमारे अशफाक भाई को परवेज़ भाई को इनकी पूरी टीम को हम सबको भी आज की रात में अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ये घड़ी महशर की है, तू अरसए महशर में है, पेशगर गाफिल अगर कोई अमल दफ्तर में है, अल्लाह ताला हम सबको बख्श दे। हम चाहेंगे एक दुआ के साथ खात्मा करें जी। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है अल्लाह आलमीन इस माह मुबारक बरकतों के सदके में हम सब की इबादतों को कबूल फरमाए। اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين بحق الله محمد رسول الله। तो नाज़रीन आपने देखा हमारे सामने हज़रत मौलाना ग़ुलाम आसिम मिसबाही साहब है जो कि ख़तीब व इमाम है जामा मस्जिद मलिक बाज़ार पश्चिम बंगाल और कलकत्ता शहर, पूरे हिंदुस्तान में अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। हजरत ने बहुत ही कम समय में कम वक्त में आज के इस मुबारक रात के ताल्लुक से कैसे इबादतें करनी है, हम इतने ख़ताकार बंदे कि हमें ये भी नहीं पता कि हमें कैसे अपने जो गुजरी हुई नमाज़ों को अदा करना है, हजरत ने बहुत ही बेहतरीन अंदाज़ में बताया। हम हालात बंगाल न्यूज़ टेक इंडिया और अपने तमाम कारीन अपने तमाम नाज़रीन की ओर से आपका तहदिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जी हमारे जानिब से भी बहुत बहुत शुक्रिया है। अल्लाह सबको सलामत रखे, खुश रखे, अल्लाह ताला सबको ईद सईद की पेशगी मुबारकबाद सबको अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हालात बंगाल न्यूज़ टेक इंडिया।